रास्ता रहता है। शायद आप खुद देख लीजिए पीछे, आप इस समय केबल कार देख सकते हैं आते हुए। इसी तरह के केबल कार में हम यहाँ पहुँचते हैं और वापसी भी केबल कार में ही होती है। यहाँ से बाहर पैदल चलने का भी रास्ता है, परंतु हमने प्रेफर किया कि केबल की राइड ही ली जाए। एनी वे, इसके बारे में बताते हैं। गन हिल पॉइंट जो है, यू कैन सी वेरियस माउंटेन पीक्स हियर, छोटे हिल्स हैं, ऊंचे भी हैं माउंटेन्स। सो कहा जाता है कि ये सेकेंड हाइस्ट पीक ऑफ मसूरी है, पहली है लाल टिब्बा, और एक जॉर्ज एवरेस्ट भी है जो काफ़ी दूरी पर है, जो तो बहुत ही ऊंचाई पर है जहाँ हम पहले गए थे। और यहाँ के बारे में ये भी मशहूर है कि ब्रिटिशर्स के पीरियड में यहाँ पर गन फायर हुआ थी, यानी कि एक कैनन यहाँ रखा गया था जिसमें बार बार उसको, जैसे कि गन को चलाया जाता है एक सायरन के रूप में कि समय क्या हो रहा है दिन का, उससे जब गन चलती थी, फायरिंग होती थी, तो पता रहता था ये समय हुआ है, ये समय हुआ है। इससे मुझे याद आया शिमला में भी इसी तरह से, जैसे 9:30 बजे या 10 बजे या शाम को 5 बजे सायरन बजता है वॉल रोड के पास से, तो सारे शिमला में उसकी आवाज़ पहुँचती है। तो क्योंकि ये इतनी हाइट पर है, तो यहाँ से भी जो कैनन फायरिंग होती होगी उसकी बहुत दूर दूर तक आवाज़ जाती होगी। फिलहाल अभी आप लुत्फ उठाए इतनी क्लियर स्काई का, और साथ में जो माउंटेन हैं, पीक है, और खूबसूरती है, यहाँ से 360 डिग्री एंगल व्यू है। परंतु यहाँ पर बहुत सारे हम देख रहे हैं स्टॉल्स हैं, टी स्टॉल्स हैं, शॉप्स हैं, आगे आप इधर देख सकते हैं रेस्टोरेंट हैं, बच्चों के लिए खेलने के लिए काफ़ी गेम्स हैं। और मसूरी में एक चीज़ ये भी देखिए, हम जहाँ भी जाते हैं मार्केट्स में एक हॉरर हाउस होता है जहाँ पर बहुत भयंकर सी आवाज़ें भी आती हैं, तो वो भी एक बच्चों के लिए अट्रैक्शन होता है, केवल बच्चों के लिए नहीं है, बड़ों के लिए भी। सो आई होप व्हेनेवर यू विजिट दिस प्लेस यू आर श्योरली गोइंग टू कम टू दिस गन हिल पॉइंट एंड हैव अ व्यू ऑफ द ब्यूटीफुल लोकेशन। थैंक यू। वहाँ पर मौज मस्ती कर फिर वापस हम मसूरी मॉल पर आ गए।